तो यहाँ पे हमारे हेयर जो हैं वो एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, तो इसको हम लोग पहले कट कर लेंगे, ऐसे ऐसे करके पूरा बराबर कट करेंगे जब तक कि कट ना हो जाए अच्छे से। उसके बाद फिर से हम लोग धागे को 5 बार लपेटेंगे, दोनों हाथ नीचे की तरफ रखेंगे और इस तरीके से धागे को पहले चलाना सीखेंगे। जब धागा चलाना आ जाए हमको अच्छे से, तब हमको अपना आईब्रो सेट करना है। आईब्रो बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक साइड का मुंह बड़ा रखना है, एक साइड का छोटा रखना है। बड़े वाले साइड में इस तरीके से बालों को फंसाना है और छोटे वाले साइड से इस तरीके से खींचना है। थोड़ी सी पेन होगी बट खूबसूरत दिखना है तो पेन तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अपने आईब्रो को जैसी शेप चाहते हो, पहले ऊपर से आप वैसी शेप दे दोगे अपने आईब्रो में। तो इस तरीके से जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत पेन होता है खुद से आईब्रो बनाने में। तो आराम आराम से हम लोग पहले ऊपर का सेट करेंगे हेयर। पेन हो तो शीशा की आवाज़ तो आती ही रहती है, लेकिन हार नहीं मानना है और कंटिन्यूसली बनाते रहना अपने आईब्रो को। उससे बनाते टाइम थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपका जो धागा है वो बहुत ज़्यादा स्किन पे ना रगड़े, उससे क्या होगा कि आपको पेन भी बहुत ज़्यादा होगा और कट भी लग सकती है। इसलिए बिल्कुल ऊपर से ही धागे को इस तरीके से रखना है और हेयर को रिमूव कर देना है। तो इस तरीके से जब आपको ऊपर का अपना परफेक्ट शेप मिल जाए उसके बाद आपको नीचे का आईब्रो बनाना है। तो ऑलमोस्ट हमारा ऊपर का जो हेयर है वो हमने रिमूव कर लिया है। अब हम लोग नीचे से शेप देना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने जैसे हाथ को रखा है वैसे ही आपको भी रखना है और धीरे धीरे रिमूव करना है। तो इस तरीके से बिल्कुल आराम आराम से जैसी शेप आपको चाहिए धागे को उसी तरीके से लेते जाएंगे और निकालते जाएंगे। बहुत ही डिटेल में वीडियोज मैंने पहले भी अपलोड की हैं तो आप जाके चेक कर लीजिएगा, या फिर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ जब खुद का बनाती हूँ तो, क्योंकि मेरे ज़्यादातर यहाँ पे ग्रॉस रहती है जिसकी वजह से शेप समझ में नहीं आता है, तो इसलिए यहाँ पे पहले निकाल देंगे। मैं आईब्रो बहुत लेट लेट से बनाती हूँ क्योंकि मेरी आईब्रो की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा कम है और कलर जो है हेयर का वो भी बहुत लाइट है। लेकिन कभी कभी कोई त्यौहार आता है तो मन करता है कि बना ले, क्योंकि आईब्रो बनाने के बाद से जो फेस का शेप होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपने जैसी चाहिए वैसी आईब्रो बन गई तो इसीलिए हमेशा जिस पे आपको भरोसा हो, आईब्रो के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और हाँ, जो भी मेरी व्यूअर्स पार्लर चला रहे हैं या फिर पार्लर खोलने का सोच रहे हैं, सबसे ज़्यादा फोकस आप अपने आईब्रो को सही से बनाने पे दीजिए, क्योंकि आईब्रो अगर आपने परफेक्ट बना ली, कस्टमर का दिल जीत लिया, फिर बाकी सारे काम तो अपने आप हो जाते हैं। तो आईब्रो बिल्कुल परफेक्ट बनाना सीखिए, ज़्यादा से ज़्यादा फेशियल वगैरह पे ध्यान दीजिए जिससे कि आपको पता चले कि ग्लो कैसे आता है फेशियल करने में। मेरी बहुत सारी वीडियोज हैं जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी भी देखने को मिल जाएंगी, जैसे क्लीन अप वगैरह में, मसाज में कैसे आप ग्लो लाओगे अपने कस्टमर के चेहरे पे। तो इस तरीके से एक एक बालों को रिमूव करते जाएंगे, क्योंकि खुद का बना रहे हैं तो बहुत सारे बाल एक साथ लेंगे तो हमारा जो आईब्रो का शेप है
वो बिगड़ सकता है, तो बिल्कुल जल्दबाजी ना करें और बिल्कुल आराम आराम से अपने आईब्रो को एक परफेक्ट शेप दें। यहाँ से इस तरीके से हाथ को रखेंगे, हेयर को फंसाएंगे एंड रिमूव करेंगे। और जिसकी लाइट हेयर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पतला शेप ना दें, क्योंकि उनकी ऑलरेडी लाइट है हेयर, बस एक अच्छी सी शेप दें और बाकी एक्स्ट्रा हेयर ही निकालें। जैसे कि मेरे बहुत ही कम हेयर हैं, तो अगर मेरे आईब्रो बहुत पतले बन जाएं तो दिखते ही नहीं है साइड से तो बिल्कुल भी। तो ऐसे ही अपने क्लाइंट पे भी कोशिश कीजिए कि ज़्यादा पतला शेप ना दे। वैसे फेस के अकॉर्डिंग होती है आईब्रो की शेप, जैसे चौड़ी पतली कितनी रखनी है वो चेहरे के हिसाब से होगी। तो इसी तरीके से हमने अपने आईब्रो को एक अच्छी सी शेप दी है। अब हम लोग जो हमारे एक्स्ट्रा हेयर लग रहे हैं हमको कि एक्स्ट्रा हेयर दिख रहे हैं, छोटे छोटे हेयर्स जो कि दिखाई नहीं देते हैं, उनको भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे, तभी जो है हमारे आईब्रो का जो शेप है वो परफेक्ट दिखेगा। और लगेगा कि हमने आईब्रो बनवाई है। तो आज जो मेरा पीसेज का काम था आज और कल बंद है, तो मैंने सोचा वीडियो शूट कर ली जाए अच्छी अच्छी और आईब्रो भी बना ली जाए, टाइम मिले तो फ़ायदा ज़रूर उठाएं। वैसे मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, तो मेरे हस्बैंड बोल के गए थे कि काम बिल्कुल नहीं करना है, आराम करना है सारा दिन, बट मैं हूँ आदत से मजबूर और मैं जा रही हूँ फ्रिज और छत साफ करने। बस मैंने सोचा थोड़ा सा अपना आईब्रो लुक भी ठीक कर लिया जाए, फिर काम तो होते रहेगा। आपको फोन में देख के नहीं लग रहा होगा कि मेरी तबीयत खराब है, बट मेरी तबीयत खराब चल रही है। और ये आईब्रो हमारा जो एक साइड का आईब्रो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और मैं इस तरीके से आईब्रो को टाइट करती हूँ और फिर अपने आईब्रोज को हेयर को निकालती हूँ इस तरीके से। इससे क्या होता है क्योंकि हम लोग खुद का बनाते हैं तो खींच तो सकते नहीं है थ्रेडिंग आईब्रोज को अपने, तो इसलिए इस तरीके से टाइट कर लीजिए आंखों को इस तरीके से ऊपर की तरफ खींच के, और फिर जो हेयर है उनको धीरे धीरे रिमूव कर लीजिए। तो आई होप कि आपको हेल्प मिली हो काफी अपना आईब्रो खुद से बनाने में। ये वीडियो देख के आप भी कर सकते हो ट्राई और अपना आईब्रो बना सकते हो खुद के घर पे बिना पार्लर जाए, और जा सकते हो तो आप जाके बनवा लीजिएगा। तो ये मेरा एक आईब्रो कंप्लीट हो गया, चलते हैं दूसरी आईब्रो की तरफ। दूसरी आईब्रो में क्या करना, पहले आईब्रो में हमने इस तरीके साइड के हेयर को बड़ा रखा था, सॉरी धागे को, धागे का मुंह जो था उसको बड़ा रखा था, इधर का छोटा रखा था ताकि हमें इस तरीके से ईजी हो बनाने में। तो दूसरी साइड हमको उल्टा कर देना है और ऐसे हेयर को रिमूव करना है। ओके और ऊपर से एक अच्छी सी शेप देंगे। तो इस तरीके से सारे हेयर को धीरे धीरे रिमूव करेंगे और एक ऊपर अच्छी सी शेप देंगे आईब्रो को। मेरी इस साइड के हेयर जो है बहुत कम हैं जैसा कि आप देख रहे होंगे वीडियो में, और इस साइड की थोड़ी ठीक ग्रोथ है, तो इसके अकॉर्डिंग ही इस साइड के हेयर को भी अच्छी सी शेप देंगे। इस तरीके से इस साइड का आप ग्रोथ देख सकते हो, है ही नहीं मेरे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे मैं टच ही नहीं करूँगी, ठीक है। तो आपका भी जैसे अगर इस तरीके से हो तो आप भी ध्यान दीजिएगा कि आप साइड के हेयर को ना निकालें और डायरेक्ट नीचे से आईब्रो को बनाना स्टार्ट करेंगे हम लोग, ताकि हमारी जो नीचे की शेप है वो बिगड़े नहीं।
ओके, इस तरीके से थोड़े थोड़े हेयर को लेंगे और आराम आराम से बिल्कुल आईब्रो को एक अच्छी सी शेप देंगे। बाहर बन रहा है मकान, हो रही है आज लिंटर मकानों की, जिसकी वजह से हो रहा है बहुत ज़्यादा शोर, तो आप करिएगा इग्नोर और देखिएगा आईब्रो को। तो इस तरीके से धीरे धीरे से हेयर को रिमूव करेंगे और आईब्रो को एक अच्छी सी शेप देंगे, जैसे कि हमने उस साइड में किया था। वीडियो होगी लंबी बट मैं इसको स्किप नहीं करना चाहती, क्योंकि जो भी खुद से ट्राई करते हैं उनको एक एक चीज़ पता चले। तो बिल्कुल आराम आराम से एक एक हेयर को पकड़ेंगे और रिमूव करेंगे। इसीलिए मैं वीडियो को स्किप नहीं करी, ताकि आपको एक एक चीज़ पता चले, खुद से आप बना रहे हो तो क्या गलती होती है और कैसे हेयर इधर उधर निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं बना रही हूँ सेम टू सेम आपको अगर फ्रंट से लगे तो आप फ्रंट से बनाइए, जैसे आपको इजी लगे। वो बिल्कुल आराम आराम से मैं बना रही हूँ। जिसको समझ में आ रहा है वो थोड़ा फास्ट करके भी देख सकता है, बट मैं कहूँगी कि आप आराम से देखिए, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए और आपकी जो शेप आईब्रो की खुद से भी आप पार्लर जैसा दे पाओ। तो इस तरीके से मैं बिल्कुल आराम आराम से सारे हेयर को निकाल रही हूँ, जो भी मुझे लग रहा है कि निकालने चाहिए और भी को एक अच्छी शेप देने के लिए। तरीके से हेयर को ले दें और ऐसे खींच के लाएंगे और ऐसे रिमूव कर देंगे। देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा हेयर दिख रहा होगा आपको, तो इसको धागे में इस तरीके से फंसाएंगे और ऐसे खींच देंगे। ओके, तो बैक से हमारा बन चुका है, बस फ्रंट का हेयर जो है एक्स्ट्रा हेयर उसी को हम लोग को अभी निकालना है।
तो इस तरीके से मैं खुद से करती हूँ खुद की थ्रेडिंग, आप कैसे करते हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कोई अच्छी एडवाइज हो जो कि मैं सीख सकूँ तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि खुद का बनाने में दो लोगों को तो मैं सिखाती हूँ, बट खुद के बनाने के लिए कुछ अच्छी अच्छी टिप्स हो सकते हैं कि एक्सपीरियंस को भी ना पता हो, तो आप लोग एडवाइस दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आप लोग कैसे ट्राई करते हैं खुद का थ्रेडिंग खुद से बनाने के लिए। अब यहाँ पे बची है एक बाल जो कि मुझे करिए परेशान, निकल जाती तो मेरा है आईब्रो हो जाता कंप्लीट, और ये निकल गया। आई होप कि आपने वीडियो अच्छे से देखी हो और अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। तो आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम है, बट आईब्रो ऑलमोस्ट सेम बनी है दोनों। और ये मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बदमाश है, कितना ही मना कर लो ये इधर उधर सामान गिराना तोड़ना, जब तक मैं वीडियो बनाऊंगी तब तक क्या क्या कर देगी मुझे भी नहीं पता, और इसको भी नहीं पता कि ये क्या क्या करने वाली है। तो ऑलमोस्ट हमारा हेयर जो है वो निकल चुका है, तो ये मेरा आईब्रो हो गया है कंप्लीट, और यहाँ पे किस चीज़ का लग गया है दाग, थैंक गॉड कटा नहीं था, वैसे तो मेरे हाथ से कटता नहीं है बट फिर भी हाथ ही है कभी कट जाए। अब हम लोग कर लेंगे अपने आईब्रो को थोड़ा सा फील ताकि आपको दिखे अच्छा सा शेप मेरे आईब्रो का। मैं कर रही हूँ आई शेडो पैलेट से आईब्रो को फील, क्योंकि मेरी आईब्रो है बहुत ज़्यादा लाइट, तो इस तरीके से फील कर लेती हूँ मैं जब अपना आईब्रो शेप कर लेती हूँ, तो ताकि कलर अच्छे से मतलब आईब्रो का लुक जो है वो दिखाई दे अच्छे से। आईब्रो को कभी भी बहुत डार्क नहीं फील करना चाहिए। तो आ रहा है दिवाली पे, तो दिवाली पे इस तरीके से मैंने बनाया अपना आईब्रो,
आपने कैसा बनाया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप अपने आईब्रो की शेप मुझे इंस्टाग्राम पे फोटो भेज सकते हो कि कैसी है आपकी आईब्रो की शेप, मेरी तो आपने देख ली। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है आईब्रो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा से अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर, क्योंकि कई बार हम लोग जो हाउस वाइफ हैं बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिलता। दिवाली है, कोई त्यौहार है तो बहुत ज़्यादा काम होता है घर में, तो हम खुद पे ध्यान नहीं दे पाते, पार्लर नहीं जा पाते, फिर हमको बाद में रियलाइज होता है कि हमको भी जाना चाहिए था और अपने लुक को थोड़ा सा अच्छा करना चाहिए था, बट टाइम नहीं मिल पाता था। अब इस तरीके से खुद से कर सकते हैं 10 मिनट निकाल के। वीडियो आई होप कि अच्छी लगी हो, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।